शैतानुर्रजीम। नाजरीन, आज फारस गेट में डियानो पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइज का अफ्तिताह हुआ और यहाँ पर हम आ जाए। हमारी मुलाकात यहाँ के जो ओनर थे, फ्रेंचाइज ओनर, उनके साथ। ये नाजरीन खबर साहब, असलाम वालेकुम। खबर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी फ्रेंचाइज हैं, आपने इंडियानो पिज़्ज़ा को क्यों चूज़ किया? वो इसलिए कि कमाई तो बहुत है मार्केट। हमने ये एरिया सर्च किया, इंडियानो पिज़्ज़ा का नाम सुना, उनका टेस्ट पिज़्ज़े का खुद चेक किया, खाया, और इस एरिया में इनकी पॉपुलेशन को देखते हुए हमने ये फ्रेंचाइज को बेस्ट बेस्ट पिज़्ज़ा चूज करने के बाद अल्लाह ताला मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे और आपके कारोबार को रिजल्ट बरकत दे। ये आप यहाँ का नाम क्या? ओके, आप इधर लोकल रहते हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडियन, ये इंडियन पिज़्ज़ा हट पर, इतनी मेहनत, इतना खूबसूरत जगह पे उसका लेके उन्होंने ये वॉइस और यहाँ के इस इलाके में लोगों की जरूरत थी अच्छे पिज़्ज़े। मैंने खुद खाया, मुझे तो बड़ा मजा पिज़्ज़ा जो है फ्लेवर भी है, दूसरी चीजें भी है, मिक्स भी है, और बड़ा सभी एंजॉय किया, जितने भी बैठे सबने एंजॉय किया। मैं अभी अपने सर साहब को बोलूंगा, माशाल्लाह आ देंगे हम आपके हमारे इंडियानो की स्टाफ। अच्छा जी, स्टाफ मैनेजर से। अच्छा, स्टोर मैनेजर। अच्छा, स्टोर मैनेजर। तो जनाब, बड़ी खुशी हुई आपने कि ये आपके एक और फ्रेंचाइजी खुली है, तो आप कैसा अभी हमारी भावर साहब से बात हुई, उनकी हम तारीफ कर रहे थे, तो हमने भी टेस्ट किया हुआ है इंडियानो पिज़्ज़ा को, माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बींग एम्प्लॉय और बींग आप कैसा फील करते हैं इस चीज़ को? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि क्या फ्रेंचाइज जो आपको देते हैं बॉल को सपोर्ट करते हैं, कि खाली शॉप ओपन कर लेना वो ये इस चीज़ का नहीं पता था कि आप सक्सेसफुल भी होंगे। आपको इसमें पैकिंग चाहिए, आपके ऑनर की जो दुनिया की प्रोवाइड करते हैं, आपका स्टाफ की ट्रेनिंग, आपको कैसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को, वो सारी का सारा जो आपको एक पैकिंग है ना, वो सारी की सारी सपोर्ट, वो सारा कुछ आपको मिलता है जो आपको सक्सेस में आपको काम आता है। अरुण साहब, माशाल्लाह आपने ये तो कह दिया, आपने उनका तो बोल दिया। मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत मौका पर आपसे भी कोई, वो क्या कहते हैं कि इस खूबसूरत शॉप पे जो आपने इनको फ्रेंचाइज दी, और मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आपके इस बिजनेस पे कामयाबी के पीछे किस चीज़ का हाथ है और यहाँ आप किस स्टेज पर कैसे पहुँचे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगा है, इस मकाम तक पहुँचने के लिए, लेकिन ये हमारे वालदैन के दुआओं का नतीजा है, उनकी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, और आज ये फ्रेंचाइज का सिलसिला शुरू हुआ है हमारे इंडियानो पिज़्ज़ा का। ये सबसे पहली फ्रेंचाइज जो खुली हुई है, इसमें हमने एक नया लुक, नया स्टाइल दिया है जो मार्केट में नहीं है। पहले इसकी जो सजावट है वो इस तरीके से इसकी फिटिंग की गई है कि आउटलुक हो इसकी, और वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इंशाल्लाह अज़्ज़ आने वाले वक्त में ये पूरे इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। और हमारा जो यहाँ के जो फ्रेंचाइजी हैं, हम इनको सपोर्ट, फुली सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट से लेके एंड तक, ए से लेके जेड तक, जिसमें जितना भी प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा,
हम इनको मैसर करें, हमारी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट तैयार होगा, वहाँ से इनको डिलीवर होगा और यहाँ पे इन्होंने बेसिकली टॉपिंग करनी है और इसको आगे सेल करना। हनुम साहब आप काफ़ी बिजी रहते हैं, मैं दुआ करूंगा कि आप अपनी स्टूडेंट पर कायम रहे, लेकिन मैं ये चाहूंगा जिस तरह के आपके मैनेजर ने भी आगे बताया और जो जो आपके मैं और ये कहना चाहता हूँ, ये मैं अकेला नहीं हूँ, इसके पीछे एक टीम है जो ये काम करेगी, सिर्फ मैं अकेला काम करने वाला नहीं हूँ, मेरे नीचे और भी बंदे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और भी स्टाफ हैं जिनके महसूस ड्यूटीज लगी हुई हैं जिनको इन्होंने उनको निभाना है, तब जाके ये फ्रेंचाइज का सिलसिला शुरू होता है और इसमें बहुत सारा काम किया। अल्लाह ताला आपको इस एक मकसद में कामयाब करे और मैं इस विषय में आपको बहुत बहुत शुक्रिया।